हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो फ्रेंड्स, इन लास्ट वीडियो वी कंप्लीट चैप्टर नंबर टू। हमने चैप्टर नंबर टू कंप्लीट किया था। नाउ वी स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक विच इज चैप्टर नंबर थ्री, रोमन न्यूमरल्स। क्या है बेटा रोमन न्यूमरल्स? आपको मैम अब रोमन न्यूमरल्स के बारे में बताएंगे। सो बेटा, रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं? रोमन न्यूमरल्स हमारे जो हमारी हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं, जैसे कि हिंदू अरेबिक क्या हो गए, हमारी जो ये डिजिट्स होती हैं 1, 2, 3, हमारे जो काउंटिंग नंबर्स वगैरह होते हैं, ये हमारे क्या है, डिजिट्स होती हैं। इनको हम बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। क्या बोलते हैं हम इनको? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। इनको हम सिम्बल्स में राइट करते हैं, यानी कि इनको हम सिम्बल्स में चेंज करते हैं। सो उनको जब हम सिम्बल्स में लिखते हैं तो उनको हम बोलते हैं रोमन न्यूमरल्स। क्या बोलते हैं बेटा? रोमन न्यूमरल्स। सो जैसे सिंबल्स क्या होते हैं, यूज ऑफ रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स का क्या होता है यूज? देर आर 7 बेसिक सिंबल्स इन रोमन न्यूमरल सिस्टम। दे आर IVXLCDM। मतलब ये 7 बेसिक सिंबल्स हैं। क्या है ये? बेसिक सिंबल्स हैं जो हम क्या रोमन न्यूमरल सिस्टम में यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। सो वो हमारे कौन कौन से हो गए? IVXLCDM। यहाँ पर देखिए, आपको ये चार्ट नजर आ रहा है, रोमन न्यूमरल्स। आई हम किसके लिए यूज करते हैं बेटा? सिंगल आई, ओनली वन आई हम वन के लिए यूज करते हैं। वी हम 5 के लिए यूज करते हैं। एक्स हम 10 के लिए यूज करते हैं। एल फॉर 50, सी 400, डी फॉर 500 एंड एम फॉर 1000। सो बेटा, आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, ये वाले जो हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। बाकी आप इनके थ्रू मेक कर सकते हैं, यानी कि जो अदर नंबर्स हैं वो आप इनके थ्रू मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। बट ये जो है ये बेसिक है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, अपनी बुक में से आपको इनको याद करना होगा। ओके और बेटा एक चीज और कि जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं होता, जीरो के लिए कोई भी रोमन न्यूमरल नहीं होता है। ओके, वन से हमारे रोमन न्यूमरल स्टार्ट होते हैं, जीरो का रोमन न्यूमरल नहीं होता। सो रूल्स क्या है रोमन न्यूमरल्स के? रिपीटेशन ऑफ सिंबल मींस एडिशन ऑफ देयर वैल्यूज। द न्यूमरल्स आई एंड एक्स ओनली कैन बी रिपीटेड अ मैक्सिमम ऑफ 3 times। यानी कि हम इन्हें केवल 3 times ही रिपीट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 से ज्यादा हम उनको रिपीट नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें, हमने बताया 10 का क्या है एक्स, 10 का क्या है बेटा एक्स। सो 20 का क्या होगा? 20 का हमारा हो गया बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 10 का है एक्स, 20 का हो गया 10+10, इट मीन्स 2x। क्या हो गया बेटा? 2x। एंड 30 का हमारा हो गया बेटा 10+10+10, इट मीन्स 3x। क्या हो गया? 3x। तो हम ऐसे एक सिंबल को, सिंगल सिंबल को, यानी कि 1i और x को हम केवल 3 times ही रिपीट कर सकते हैं। अगर अब हम यहाँ पे 40 का लिखना चाहें तो 40 का ऐसा नहीं लिख सकते कि हम 4x, 40 का हमारा अलग होगा। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप i और x को मैक्सिमम 3 times ही रिपीट कर सकते हैं। हमारा 50 का होता है l एंड हमारा 40 का होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं 40 की, सो 40 के लिए हम किस टाइप से राइट करेंगे? 50-10, इट मीन्स L-X, इट मीन्स क्या हो गया बेटा XL, कि क्या हो गया हमारा 40 का XL। ठीक है, सो आप एक को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? ओनली 3 times रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? When a symbol of smaller value is placed to the left of a bigger symbol, we subtract the smaller value from the bigger value to find the Roman numeral so formed. For example, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, जैसे कि अगर हम 4 की बात करें, हम अगर 4 की बात करें तो हम कैसे लिखेंगे? 5-1, हम क्या लिखेंगे बेटा? 5-1, so v माइनस में i, it means iv। जब हम बिगर में से स्मॉलर को माइनस कर रहे हैं, सो आप उसके सिंबल कैसे लिखेंगे? पहले स्मॉल सिंबल होगा, देन आपका बिगर सिंबल होगा। जैसे कि 1 का सिंबल पहले लिखेंगे हम एंड 5 का सिंबल हम बाद में लिखेंगे, तो ये आपका रूल है।
जैसे अगर आप 9 की बात करें तो 9 के लिए क्या होता है, 10 माइनस में 1 एंड 10 का x माइनस में i। सो मैंने बताया पहले आप छोटे वाले का लिखेंगे तो फर्स्ट i, देन आप बिग वाले का लिखेंगे i x। तो 9 का सिंबल क्या हो गया बेटा, i x। क्या सिंबल हो गया, i x। उसके बाद बेटा, उसके बाद आपको ऐड करते हुए चलना है। और मैंने आपको बताया है, जैसे आप देखिए यहाँ पे 6 का 5 का हमारा है v, 6 का है हमारा 5 प्लस में 1 इट मींस v i, 7 का है 5 प्लस में 2 इट मींस v i i, देन 8 का हमारे पास है 5 प्लस में 3 इट मींस v i i i। सो मैंने बताया था आपको i को आप मैक्सिमम कितनी टाइम रिपीट कर सकते हो, 3 टाइम। सो इसीलिए बेटा 9 का क्या हुआ, 10 माइनस में 1। सो हमें फर्स्ट में नंबर पे हमें छोटे वाले की वैल्यू लिखनी है, देन हमें बिग वाले की लिखनी है। ओके सो आपको ये रूल्स ध्यान रखने हैं, आपको कुछ तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको 1 का, 10 का, आपको 50 का लर्न करना पड़ेगा, आपको 100 का लर्न करना पड़ेगा। तो ये तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, बाकी आप इनके थ्रू मेक करते चले जाएंगे आगे आगे। सो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अब। तो यहाँ पे आपको वही है जैसा कि आपको पीछे वो चार्ट मैंने आपको दिखाया था ना, सो आपको बिल्कुल सेम यहाँ पे वो चार्ट दिया है, आपको इसको लर्न करना है। आई 1 का होता है आई, 5 का होता है वी, 10 का होता है एक्स, 50 का एल, 100 का सी, 500 का डी एंड 1000 का एम। ये तो आपको लर्न करने होंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी नोटबुक में डन करेंगे, मैम आपको इसके कुछ एग्जांपल्स शेयर करेंगी, यानी कि उसकी पीडीएफ बना के आपको सेंड करेंगी, बाकी सारे आप खुद करेंगे, मैम सारे नहीं कर कर दिखाएंगे, कुछ कर कर दिखाएंगे आपको कि आपको किस टाइप से अपनी नोटबुक में वो काम करना है, किस टाइप से आपको उसको प्रेजेंट करना है। ओके सो हम यहाँ पे अभी 6 की बात करते हैं, मैम ने आपको बताया था 6 के लिए 5 प्लस में 1 इट मींस v i, 27 की अगर हम बात करते हैं तो 10 प्लस में 5 प्लस में 2, ठीक है। सो 10 का हमें पता है, 10 का हमारे पास क्या होता है, 10 का होता है हमारे पास x, दूसरे 10 का x एंड 5 का v एंड 2 का 2i। जैसे 1 का 1i है तो 2 का 2i, 3 का 3i, बट 4 के लिए मैं हमने आपको समझाया था कि हम i को कितनी बार मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं, ओनली 3 टाइम, तो 4 के लिए तो चेंज हो जाएगा कि 5 माइनस 1 इट मींस iv। सो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ऐसे यहाँ पे 10 का आपके पास है x, 12 की अगर हम बात करें तो 10 प्लस में 2 इट मींस x प्लस में 2i। ओके 21 की अगर हम बात करें तो 10 प्लस में 10 प्लस में 1 इट मींस x प्लस में x प्लस में i। आपको क्या करना है, ये प्लस में राइट करना है, बट इसको जो रोमन न्यूमरल में आप चेंज करेंगे तो वो कंबाइंड करके लिखना है। ओके ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो आपको नोटबुक में डन करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको ये रोमन न्यूमरल्स गिवन है, जो आपने यहाँ पे बनाए हैं ना वो अब आपको यहाँ गिवन है, और आपको ये न्यूमरल्स राइट करने हैं, जो नंबर्स होते हैं वो राइट करने हैं। सो x का आपको पता है 10 एंड 2i का हो गया आपके पास प्लस में 2, तो इट मींस 12। ये क्या है बेटा, इसका आंसर क्या है, 12। 3x का मीनिंग 30, xx का आपको पता है 20 और ये क्या होता है 9, सो 29। xx का क्या हो गया बेटा 20 और इसका हो गया 9, सो 29। xxx इट्स 30 एंड v का 5, सो 35। इस टाइप से आपको ये सारे करने हैं अपनी नोटबुक में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है बेटा, आपको मैच करना है, आपको ये चेक करना है कि 4 का रोमन न्यूमरल क्या है। यहाँ पे आपको ये मैच द फॉलोइंग के लिए 2 कॉलम्स दे रखी है, एक में न्यूमरल्स राइट है, एक में रोमन न्यूमरल्स राइट है। आपको न्यूमरल का रोमन न्यूमरल से मैच करना है, जैसे 4 का हमें पता है आई वी होता है, सो हमने उसको आई वी से कर दिया। 7 का क्या होता है, वी प्लस में 2i इट मींस वी आई आई, सो वी के साथ हमने इसको 2i से मैच कर दिया। सी 11 का, 11 का क्या होगा, 10 प्लस में 1 इट मींस एक्स आई, सो हमने इसको एक्स आई से मैच कर दिया। 19 का क्या होगा बेटा, 19 का हमारा क्या होगा, 10 प्लस में 9 इट मींस एक्स आई एक्स, क्या होगा एक्स आई एक्स। बेटा जैसे 9, 4, तो इनको हम बाई सिग्रेट नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे 8 होता तो हम लिख सकते थे कि 5 प्लस में 3,
बट अगर 9 है तो उसको 9 ही लिखेंगे. जैसे ये 19 आपको गिवन है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसके लिए 10 प्लस में 9 लिखेंगे. ऐसा नहीं लिखेंगे कि 10 प्लस में 5 प्लस में 4, क्योंकि 4 का अलग होता है, 5 का भी अलग होता है एंड 9 का भी अलग होता है. तो ये मेन तो आपको बेटा क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे. 23 तो इट मीन्स एक्स एक्स आई आई आई, है ना. सो 27, अब 27 में आप क्या करेंगे, एक्स एक्स वी आई आई. 7 का क्या होता है, वी आई आई. सो आप क्या करेंगे, इसको इससे मैच कर देंगे. आपको जिसका रोमन न्यूमरल है उसी से उसको मैच करना है. ओके, दिस 39 का हमारा हो गया दिस. ओके, सो आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज है जो आपको अपनी बुक और नोटबुक दोनों में डन करनी है. जैसे कि आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आपकी बुक में करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको बुक में करना है, बट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपनी नोटबुक में डन करना है. मैम आपसे PDF शेयर करेंगी, आप उसी के अकॉर्डिंग वो करेंगे. ओके, सो वी विल कंटिन्यू इन अवर लाइव क्लास. बाय बाय स्टूडेंट्स.